छत्तीसगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। रेलवे स्टेशन को मिली है बम से उड़ाने की धमकी। आरपीएफ और जीआरपी मौके पर तैनात है। रात भर स्टेशन पर की गई है चेकिंग। ई रिक्शा में सवार दो युवक कर रहे थे प्लानिंग। रिक्शा चालक ने पुलिस को दी है सूचना और स्टेशन और आसपास के इलाकों में बढ़ती जा रही है सतर्कता। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, रेलवे स्टेशन को मिली है धमकी, बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अलीगढ़ से खबर, जहां आरपीएफ और जीआरपी फिलहाल मौके पर है और स्टेशन और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। रेलवे स्टेशन को मिली है बम से उड़ाने की धमकी। आरपीएफ और जीआरपी इस वक्त मौके पर मौजूद है। रात भर स्टेशन पर चेकिंग की गई है क्योंकि अलीगढ़ में ये धमकी दी गई है। स्टेशन को उड़ाने की धमकी गई है दी गई है रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अभिषेक माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है, किससे ये धमकी दी है, कैसे दी है और अभी क्या वहां पर हालात है? बिल्कुल, देखिए दीपाली, आधी रात को अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी से यहाँ खलबली मची है और पुलिस प्रशासन सहित जीआरपी आरपीएफ ने जो है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की और पूरी रात स्टेशन को खंगाला गया है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि देर रात सिविल लाइन क्षेत्र से दो युवक भमौला इलाके से ई रिक्शे में सवार हुए और वो रेलवे स्टेशन को उड़ाने के लिए बम लगाने की बात कर रहे थे। इसकी जानकारी जब ई रिक्शा चालक ने वापस भमौला पुलिस चौकी पर आकर के चौकी इंचार्ज को दी, तभी उसने जो है चौकी इंचार्ज ने अलीगढ़ की जीआरपी और आरपीएफ इंस्पेक्टर को फोन किया और इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई। अलीगढ़ के जो रेलवे स्टेशन है पूरी रात उसको जो है जांच पड़ताल की गई। डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची, डॉग स्क्वाड ने जो है जांच पड़ताल की। हालांकि अभी तक कोई किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु जो है पुलिस को नहीं मिली है, लेकिन अलीगढ़ स्टेशन पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बहुत शुक्रिया अभिषेक ये जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए।